स्वागत है तुम सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग तुमको दर्शन करवाएंगे निधिवन के और फिर बांके बिहारी जी के। एक छवि तुमको देखने को मिल जाएगी। हर जगह बहुत ही भयानक भीड़ रहती है यार, इतना कुछ वीडियो बनाया नहीं जाता है, तो बहुत मुश्किल से थोड़ी थोड़ी क्लिप्स निकाली है। देखो, घर बैठे मज़ा लो, दर्शन करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख के जाना। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं निधिवन, जो कि वृंदावन में है। बहुत ही बढ़िया जगह है। यहाँ के बारे में एक चीज़ बहुत ही प्रसिद्ध है कि यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अपनी गोपियों और राधा रानी के साथ रासलीला करते हैं। यहाँ जितने भी पेड़ दोस्तों आप वीडियो में देख रहे हैं, ये कई पीढ़ियों कई पुश्तों पुराने हैं, और अभी भी ये वैसे के वैसे ही हैं। इनको कुछ फ़र्क नहीं आया, और जैसे आप देख सकते हैं इनकी बनावट, ये बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये कहा जाता है ये गोपियाँ हैं जो सुबह के टाइम पे ऐसे हो जाते हैं, और रात में अभी भी यहाँ पे लोगों को श्री कृष्ण की बांसुरी और बहुत सारे स्वर आवाज़ें आती हैं। और यहाँ पे दोस्तों रात में जाना वर्जित है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही बढ़िया नज़ारे हैं दोस्तों। अभी यहाँ पे यहाँ तक पहुँचे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल के कमेंट में जाना और राधे राधे ज़रूर लिखना। दोस्तों इनकी टाइमिंग है सुबह 5:30 से 11 कुछ, शायद नहीं, सुबह 8:30 से 11 कुछ, और शाम को ये 5:30 से खुलता है। टाइमिंग तुम लोग पता कर सकते हो गूगल पे या कहीं पे भी जाके। दोस्तों मैं तुम्हें वीडियो दिखा रहा हूँ, सारे वीडियो मैंने इसमें क्लब कर दिए हैं ताकि तुम एक भी चीज़ मिस ना करो। देख सकते हो दोस्तों क्या मस्त बनावट है इन पेड़ों की। और दोस्तों कभी भी आओ यहाँ पे, पूरा टाइम लेके आना, आराम आराम से घूमना। यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग जो भी भोग लगाते हैं भगवान को, जैसे ही सुबह ये लोग द्वार खोलते हैं, वो भोग ग्रहण कर लिया जाता है भगवान द्वारा। बहुत सारी मान्यताएं हैं इस जगह के बारे में भी। देख सकते हो हम लोग अपनी फैमिली के साथ गए थे, बहुत ही मज़ा किया हम लोगों ने। अगली बार तुम आओ तो ज़रूर आना दोस्तों। और अब हम आएंगे, थोड़ी देर बाद आपको दर्शन कराएंगे श्री बांके बिहारी जी के। ये दर्शन कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। कभी भी आओ अपनी सेफ्टी के साथ आना, कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। बांके बिहारी जी की झलक दिखना ही अपने आप में एक बहुत ही, जो होता है ना बहुत ही लकी आदमी, उन्हीं को वो झलक देते हैं। उनकी मूर्ति को आप देखते देखते आप मनमोहित हो जाएंगे, आप खो जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों